सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। फूल खिलते रहे जीवन की राह में, खुशी चमकती रहे आपकी निगाह में, हर कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, ये दोस्त देती है नए साल की शुभकामनाएं आपको। हर साल आता है, हर साल जाता है, इस साल आपको वो शब्द मिले जो आपका दिल चाहता है, नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज का पंचांग 1 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 9:33 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 8:15 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:46 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मिथुन राशि 1 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार, अगर कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें अपना हर एक काम समझाने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, वे कभी नहीं मानेंगे। आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे लेकिन आपको आने वाली जरूरतों के कारण पहले वाली योजनाओं में भी कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। स्थिति के मांग के अनुसार कार्य करें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच आपके कई कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करेगी। कई नकारात्मक परिस्थितियां भी सुलझेगी। युवा वर्ग अपनी किसी परीक्षा प्रतियोगिता में सफल रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में भी उनकी रुचि बढ़ेगी। जैसे आपकी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ेगी वैसे जीवन के प्रति लक्ष्य आपके बदलते जाएंगे। भौतिक जीवन के बारे में रखे हुए लक्ष्य प्राप्त आसानी से हो सकते हैं। आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर प्रगति करने के लिए योग्य मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। करियर संबंधित बातों में प्रगति नजर आएगी फिर भी अपने आप को काम संबंधित बातों में बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहें। पार्टनर के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। शरीर में बढ़ रही सूजन चिंता का कारण हो सकती है, ध्यान रहें और जांच कराएं। सावधानियां, कोई योजना विफल होने से आप में निराशा की भावना आ सकती है परंतु नजदीकी मित्रों का सहयोग आपको राहत भी देगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से आपको सुलझाने का प्रयास करना होगा, तभी यह सुलझ पाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आज के दिन प्यार के लिए उपयुक्त है। अपने प्रिय के लिए अपनी प्रशंसा और प्यार का इजहार उसके लिए कुछ स्पेशल करके करें और देखें कि दिन कैसे खास बन जाएगा। रोमांस की संभावना है। अगर आप अकेले हैं तो आज आपकी मुलाकात अपने प्यार से हो सकती है या फिर आप अपने किसी करीबी को ही रोमांटिक तरीके से देख सकते हैं। परिवारजनों के साथ हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधित कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। आज आप कहीं यात्रा में फैमिली के साथ जा सकते हैं जिससे आपको मजा भी आएगा। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपके लिए एक विवादास्पद दिन भी हो सकता है। आपका किसी के लिए
बुदबुदाना या क्रोधित होना व किसी दूसरे के माध्यम से उन्हें पता चलने पर आपका पेशवर जीवन बर्बाद हो सकता है। इसके अलावा आप किसी से किसी और का रहस्य खोल सकते हैं, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए आसपास के ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें। व्यवसाय संबंधित कामों पर अधिक ध्यान दें। मार्केटिंग संबंधित कामों में भी फायदेमंद स्थितियां रहेगी, परंतु किसी पर भरोसा करने के बजाय सभी निर्णय स्वयं ही लें। नजायज कार्य में किसी भी प्रकार की रुचि ना लें, इसकी वजह से कुछ मुश्किलें उत्पन्न हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए थोड़ा नम्र बनना होगा। आपको हालांकि इस बात का एहसास भी नहीं है, परंतु आप थोड़े से घमंडी हो गए हैं। इसलिए दूसरों की आलोचना करने की बजाय आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपका व्यवहार कैसा हो रहा है। आपको अपने अंदर झांकने के लिए यह बहुत सही समय है, और आपको अपने आप को नज़दीकी से देखने और जांचने के लिए इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।